वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉर्नर। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफिया से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है सेट। तो आइए डिस्कस करते हैं सेट्स के बारे में। व्हाट इज सेट? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined and distinct object object। यहां पे जो मेन चीज है इसमें एक well defined, दूसरी distinct। well defined मीन वाज़े, जिसमें कोई इबहाम ना हो, और डिस्टिंक्ट का मतलब है मुनफरिद, मुनफरिद या मुख्तलिफ। इसमें ये चीज भी है कि कोई भी एलिमेंट सेट का जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स। यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट्स में, कैपिटल अल्फाबेट्स में इसको इससे जाहिर किया जाता है। अब इसको एक मिसाल से देख लेते हैं। ए बराबर है एक, तीन, पांच, सात, नौ। ये एक सेट है। इसमें ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, ये नोटेशन का है। नोटेशन, और ये जो पार्ट है ये इसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स, इनको ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें यहां पे हम अगर देखें तो 1, 3 से डिफरेंट है, 3, 5 से डिफरेंट है, 5, 7 से डिफरेंट है, और 7, 9 से डिफरेंट है। इसी तरह अगर इन पांच एलिमेंट्स को हम देखें तो ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स आपस में भी डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे, तो इसलिए ये एक सेट है। एक और मिसाल ले लेते हैं। इसमें अगर एलिमेंट्स में हम नजर दौड़ाएं तो यहाँ पे 1 and 1 ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो लिहाजा ये एक सेट नहीं है। इसलिए सेट में कोई भी जो एलिमेंट है उसका वो रिपीट नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट सेट्स देख लेते हैं कौन कौन से। Some important sets, इसमें नंबर 1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए सेट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट इज denoted by N, capital N।
नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं और ये स्टार्ट होते हैं वन से। इसकी मिसाल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये सारे नेचुरल नंबर हैं। जो भी काउंटिंग नंबर हैं जीरो को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरह आगे चलते जाते हैं। नंबर टू पे है सेट ऑफ होल नंबर्स। ए सेट कंसिस्ट ऑफ होल नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर्स। It is denoted by English alphabet capital W. Whole number का set ऐसा set है जिसमें 0 और गिनती 1, 2, 3 counting numbers सारे शामिल हैं। इसको W से जाहिर किया जाता है। इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। B बराबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये होल नंबर सेट है। इसमें जीरो से स्टार्ट लिया जाता है जबकि नेचुरल नंबर में वन से स्टार्ट लेते हैं। नंबर थ्री है सेट ऑफ इंटीजर्स। ए सेट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। It is denoted by Z. इसकी मिसाल ले लेते हैं Z equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसमें ये सारे इंटीजर्स हैं और ये सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड है और नेगेटिव इंटीजर्स भी शामिल होते हैं। नंबर फोर है सेट ऑफ इवन नंबर। ए सेट कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ इवन नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। ई बराबर है 2, 4, 6, 8, 10। अब इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ऐसे तमाम नंबर्स जो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। तो इस साइड में हम देख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये सेट इवन नंबर कहलाएगा, सेट ऑफ इवन नंबर कहलाता है।
नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ए सेट कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑड नंबर्स। It is denoted by capital O. Set of odd numbers. A set consists of odd number is called set of odd number, and it is denoted by O. इसको O से जाहिर किया जाता है या इसको O का नाम दिया जाता है। Odd numbers कौन से होते हैं? ऐसे तमाम number जो two पे divide नहीं होते, two से divide नहीं हो रहे होते, वो odd numbers होते हैं। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओ इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो पता चलता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनमें से कोई भी जो एलिमेंट है सेट का वो टू से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स कहलाता है। नेक्स्ट है नंबर 6 पे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट हैविंग प्राइम नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ प्राइम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। सेट ऑफ प्राइम नंबर ऐसा सेट है जिसमें तमाम नंबर प्राइम होते हैं और इसको पी से जाहिर किया जाता है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ऐसे तमाम नंबर जो के वन और अपने आप से डिवाइजेबल होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच आर डिवाइजेबल बाय वन एंड नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या वन से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे पिछले मिसाल में हमने देखा था 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे नंबर हैं, टू डिवाइड हो रहा है इसके वन और टू से। इसी तरह थ्री को अगर हम देखें, ये भी वन और थ्री से डिवाइड हो रहा है, एक वन से और दूसरा नंबर इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड होगा। ऐसे नंबर हम प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है
सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ए सेट कंसिस्ट ऑफ रेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रेशनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, इसको क्यू की मदद से जाहिर करते हैं। अब रेशनल नंबर का जो सेट होता है, ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम रेशनल नंबर्स होते हैं और इसको इसको क्यू से जाहिर किया जाता है, सॉरी ओ नहीं है, क्यू है। इसको एक मिसाल की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पे सेट का नाम देते हैं क्यू, बराबर है पी बटे क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये प्राइम नंबर में आएगा। अब ऐसे तमाम नंबर जो पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके वो रेशनल नंबर कहलाएंगे, लेकिन इनके साथ एक कंडीशन है कि क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर ना हो बल्कि जीरो से ज्यादा हो, ये कंडीशन है। इस कंडीशन के साथ जो भी सेट्स होंगे वो रेशनल सेट्स कहलाएंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।